जनवार टाइम्स के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं सोहेल। देश में कोरोना वायरस से अब तक 53 लोगों की मौत, 2000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 24 घंटे में 235 मामले सामने। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से 53 लोगों की मौत हो चुकी है और 2069 लोग इसके संक्रमण के शिकार हुए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 235 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 12 घंटे में 12 लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई है और 12 इस बीमारी से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गुरुवार शाम को ये आंकड़े जारी किए गए हैं। बता दें कि देश में कोरोना वायरस संकट को लेकर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी है। इससे पहले आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस खतरे को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोविड-19 के मरीजों के लिए अलग विशेष अस्पतालों की जरूरत है। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अगले कुछ सप्ताह तक सारा ध्यान जांच करने, संक्रमित लोगों का पता लगाने, उन्हें घरों, पृथक केंद्रों या अस्पतालों में पृथक रखने पर होना चाहिए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 20 मौजूदा केंद्रों और 22 संभावित केंद्रों की पहचान की गई है और अभी तक सामुदायिक स्तर पर संक्रमण का कोई सबूत नहीं है, लेकिन इससे नियंत्रित करने के लिए विशाल मानव संसाधन की जरूरत है। मंत्रालय ने यह बात कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए राज्यों को मानव संसाधन पर जारी परामर्श में कही है, ताकि वे बीमारी के प्रबंधन के लिए मानव संसाधन कोल बंद कर सकें और उसी के अनुरूप प्रशिक्षण दे सकें। दस्तावेज में कहा गया, सामुदायिक स्तर पर संक्रमण के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन कोरोना वायरस प्रभावित 20 मौजूदा और 22 संभावित केंद्रों की पहचान की गई है। नियंत्रण करने के उपायों और संक्रमण के चक्र को तोड़ने एवं संक्रमित लोगों के इलाज के लिए चिकित्सा प्रबंधन में बड़े पैमाने पर मानव संसाधन की जरूरत होगी। मंत्रालय ने कहा कि प्रशिक्षण विभिन्न लक्षित समूहों जैसे निगरानी, संक्रमितों की पहचान, नमूना संग्रह, नमूनों की पैकिंग और परिवहन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के उचित इस्तेमाल और जैव कचरे का प्रबंधन सहित अस्पताल संक्रमण निवारण एवं नियंत्रण, वेंटिलेटर प्रबंधन सहित चिकित्सालय मामलों का प्रबंधन, क्वारंटीन एवं आइसोलेशन केंद्र का प्रबंधन, समाज स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल आदि के क्षेत्र में होनी चाहिए। मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि प्रशिक्षण के लिए पहचान और इन गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करें। कोरोना वायरस संक्रमण प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन को सलाह दी गई है कि वह मानव संसाधन जुटाए जो ऑपरेशन पूरा होने तक निर्धारित क्षेत्र में ही रह सके। जनवार टाइम्स के साथ जुड़े रहने के लिए जनवार टाइम्स के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।